चलो जी, बारी किसकी है? इंस्टाग्रामर्स की। एक लड़की की सालगिरह है मगर दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी इससे 10 साल पुरानी दोस्ती है। इसके लिए केक मैं लेकर जाऊंगा? नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। मैं इसके लिए हीरे की अंगूठी लेकर जाऊंगा। आखिर में तुम केक ले लो और मैं गिफ्ट, मिलकर मनाएंगे। एक लड़की की सालगिरह है मगर दो दोस्त आपस में लड़ रहे हैं, सही है। वो मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी इससे 10 साल पुरानी दोस्ती, दूसरा दोस्त कहता है उसके लिए केक मैं लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं लेकर जाऊंगा। इस बात पे तुम लोगों के झगड़े हो रहे हैं। फिर तुम कहते हो कि मैं इसके लिए हीरे की अंगूठी लेकर जाऊंगा। आखिर में तुम केक ले लो और मैं गिफ्ट लेकर जाऊंगा। आपस में तुम लोग टाई अप कर लेते हो कि एक बंदा केक लेकर जाएगा, एक बंदा गिफ्ट लेकर जाएगा। आखिर में दोनों दोस्त बन जाते हो और फिर चले जाते हो। कोई भी, चलो कोई भी गिफ्ट कर सकते हो, गिफ्ट मैटर नहीं करता। चलो भाई, लड़ाई तुम दोनों की है, इसमें लड़की नहीं है, सही है। तुम दोनों का है हिसाब किताब, 10 साल पुरानी दोस्ती किसी एक दोस्त की। चलो भाई, एक तरफ से आओ ना। रेडी? 60 सेकंड तुम लोगों के पास। रेडी गो। हाँ भाई, रेडी है? हाँ यार, रेडी हूँ। चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ जरा बर्थडे पे। तू भी चल रहा है क्या? तू कौन सी बर्थडे पे जा रहा है? अपने दोस्त की बर्थडे है ना, माइन की। यार माइन की बर्थडे पे तू क्यों जा रहा है? जा रहा हूँ बड़ा। छिछोरे, तू क्यों जा रहा है? क्या छिछोरे, तेरा वहाँ क्या काम? मेरा काम है भाई, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और मैं सबसे पुराना दोस्त। अबे ये देख, मैं केक लेके जा रहा हूँ बर्थडे है, मैं विश करूं। तेरे मुंह पे मार के ना केक जैसा मुंह बना दूंगा, खबरदार उसके बारे में सोचा तो। अबे निकल, मैं सेलिब्रेट करूंगा, चल निकल यहाँ से। ओ क्या, अबे मेरी दोस्त है, मैं उसके लिए डायमंड की रिंग्स लिया है मैंने, और 10 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। तू खुद बहुत पुराना, तेरे जमाने के इंजन बंद हो गए, चल निकल यहाँ से। अबे ओ मेरी बात सुनो लंगूर, सबसे बेहतरीन गिफ्ट मेरा ये, और अभी इस बगोल लेके जाएगा, इस बगोल बेबी डॉल, और जा पे बगलोल, तू लेके निकल इधर से, खबरदार दोनों के बारे में। चल एक काम कर, अबे ये केक और ये मेरा दोस्त लाल बेग, मैं इस बगोल लेके जा रहा हूँ, तू केले लेके जा, चल आ जा, निकलते। यार तू निकल, मैं जाऊंगा खुद, तेरी कोई जरूरत नहीं है। बनाते हैं ना, अबे इंप्रेस करेंगे इस बगोल से, चल 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 आ जा, जबरदस्त, चलो आओ। अब बहुत ज्यादा सुनता नहीं। इंस्टाग्रामर्स, देखते हैं तुम्हारे लिए सिचुएशन क्या निकलती है, गौर से सुनना। लड़का 10 करोड़ की तलाश में निकला हुआ है, अब इसको एक गाड़ी की तलाश है। वो गाड़ी चोरी करेगा मगर इसमें एक छोटी बच्ची होगी। कुछ देर में बच्ची ऐसा रोना शुरू करेगी कि चुप नहीं होगी। लड़का हर तरह से कोशिश करेगा कि वो चुप हो जाए मगर वो चुप नहीं होगी। मुझे भी 10 करोड़ चाहिए। लड़की कह गया, मुझे भी 10 करोड़ चाहिए। एक गाड़ी में एक लड़की होगी, तुम्हें 10 करोड़ लेने हैं कहीं से, तुम गाड़ी चोरी करोगे, उसमें ऑलरेडी एक लड़की होगी। अब वो इतना रो रही होगी लड़की, तुम एंड में बल्कि उसको चेंज कर दो, बच्ची होगी एंड में तुम उससे जो रो रही होगी ना, उसको अपने पास से 2000 रुपये लेके जाओगे। भाई चुप हो जाओ, सही है, आप जल्दी से चलो। हाँ तीनों टीम्स का 2-2 पॉइंट का, 10 करोड़ चुराने उसको जरूरत है 10 करोड़ की। गाड़ी चोरी करेगा, उसके बाद गाड़ी में जो बच्ची होगी वो इतना रोएगी कि वो 10 करोड़ चुराने गया होगा, अपने पास से आखिर में 2000 देके जाएगा कि चुप जाओ तुम बस। चलो भाई रेडी गो इमरान। यार किसी तरीके से 10 करोड़ रुपए मिल जाए, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। यार गाड़ी भी तो नहीं है मेरे पास, ये रखी गाड़ी, गाड़ी मिल गई। क्या हो गया, मैंने क्या तुम्हें काट लिया क्या? क्यों रो रही हो? बात सुनो, ये गाड़ी की मुझे जरूरत है। छोड़ के गए इसमें। मेरी बात सुनो, मुझे 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, मुझे प्लीज गाड़ी दे दो, मैं तुम्हें जो है ना उसमें से कुछ ना कुछ चंदा तौफीक दे दूंगा। मुझे भी चाहिए। क्या चाहिए? 10 करोड़। 10 करोड़ मुंह देगा अपना, टॉफी पकड़ो, ये टॉफी खाओ, टॉफी खाने की तुम्हारी उम्र है। 10 करोड़ नहीं दे सकता तुम्हें, 0 पता कितने होते हैं उसके अंदर। अरे ऐसे नहीं रहो, मेरी हंसी छूट जाएगी तो प्लीज मेरी मजबूरी को समझो। अरे मेरे लिए गाड़ी दे दो ना, मैं हट जाऊंगा। मैं 10 करोड़ नहीं दे सकता, तो मैं कुछ ना कुछ दे दूंगा, मुझे गाड़ी लेने दो। अरे ये तो टांगे भी मार रही है, क्या कर रही हो तुम? ये टॉफी पकड़ो, ये पकड़ो 1500, अपने मेकअप का सामान लेकर आओ, और ये गाड़ी मुझे दे दो प्लीज। अरे मम्मा, अरे मुझे देख के मम्मा याद आ गई तुम्हें। टाइम आ गया, टाइम आउट, टाइम आउट, चलो भाई जल्दी से आ। चलो भाई बारी है इंस्टाग्रामर्स की, देखते हैं इंस्टाग्रामर्स आज क्या सिचुएशन निकलती है। इमरान दुर्वासे तो गौर से सुनना, क्या माइक क्या कर रहे हो हाथ भाई माइक। एक लड़का दो दोस्तों को लड़वाने की कोशिश करता है,
पीठ पीछे एक दूसरे की बुराई और सामने तारीफ करता है। दोनों दोस्तों को पता चल गया है, आज तो वो गया, अच्छा तो मेरा मुंह गधे जैसा है, अच्छा वो घोड़े की तरह चलता है, अच्छा मैंने तुमको गालियां दी थी। बेसिकली एक दोस्त जो है ना, वो दो दोस्तों को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। ये तुम सारी बातें इंप्रोवाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा जो प्लेयर है वो फीमेल प्लेयर है। तो आज जो है ये बता रहे हैं कि तुम सारी बातें मैं यानी अच्छा तुम मेरा मुंह गधे जैसा है, तुमने कभी बोला होगा, तारीफ सामने की भी है, पहले तुमने कुछ और बोला था, अब इनके सामने कोई और बात करो, अच्छा वो घोड़े की तरह चलता है, अच्छा मैंने तुमको गालियां भी दी थी, मतलब तुमने झूठ बोला हुआ है। आज तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई, आ जाओ, चलो आज पोल खुल गई है भाई की। कौन कौन? सर मैं वो कैरेक्टर कर रहा हूँ। सही है। मुनाफिक रेडी। देखो सिंपल है, इसने तुम्हें बता दी होगी ये बातें, किस तुम्हारे दूसरे दोस्त को इससे ये बातें की भी हैं, इसने आके तुमको बता दिए, अब तुम दोनों मिलके इसके पास आए हो, अच्छा तो तुम हमसे ये बोलते थे, तुमने इसको क्या बोला है मेरे बारे में, ये सिचुएशन। हाँ स्टार्ट तुम दोनों से, तुमने बताना है, इमरान ने ये बोला। रेडी गो। अस्सलाम वालेकुम माहिन। वालेकुम अस्सलाम वासे। माहिन तुम्हें कैसे लगता है कि मैं गधे की जैसा हूँ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। वो इमरान ने बोला था कि आप गधे की तरह लगते हैं। नहीं तो किस एंगल से तुमने बोला है? नहीं नहीं मैंने नहीं बोला। इमरान ने कहा तो तुमने बोला है मैं घोड़े की तरह चलता हूँ, गधा हूँ मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या हो गया आपको? इमरान ने बोला मुझे। कैसे हो? ठीक ठाक हो? कैसी हैं आप? ठीक ठीक। याद है ना जो बोला था? सब कुछ आते मुझे। बस इस पे अमल करो थोड़ा सा। अरे मैं इसको समझा रहा था। क्या समझा रहा था? अरे मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने पे ध्यान दो, फिटनेस वगैरह करो। हाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम किधर थे यार? क्या कहते हैं कि आप घोड़े की तरह हैं? अबे ये मैंने कब बोला? इमरान ये मैं गधे की तरह हूँ? ये गधे की तरह हो ही नहीं सकता। मतलब वही ना, ये तो ऊंट घोड़े की तरह चलता हूँ, ऊंट की तरह चलता हूँ। नहीं नहीं भाई मैं जानवर हूँ क्या? मैं ऐसा बोल नहीं सकता। आपने बोला झूठ नहीं बोला, आपको पता है? नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला। तू देख 100 साल वाले गोरी ने। अबे भाई जान मैंने आपको बोला नहीं है, वो सिब्बी के ऋतिक रोशन, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोला। दूसरों की बुराइयां करते हैं, आपने मेरे लिए कुछ बोला हो? तुम लोग अंडरस्टैंड नहीं किया तुम लोगों ने सिचुएशन को। ये पैनिक कर गया बीच में, इनको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या समझा। खैर एनीवे इंस्टाग्रामर्स गौर से सुनना। किसी फिल्म का सैड सीन चल रहा है, हीरोइन का बाप मर गया है, ताजियत के लिए एक पागल कैरेक्टर मैयत में पहुंच गया है। किसी फिल्म का सीन है, सही है, किसी फिल्म का सेट है, सैड सीन चल रहा है। सीन यह है कि हीरोइन का बाप मर गया, हीरोइन तो रो रही होगी, ताजियत के लिए एक पागल कैरेक्टर जो है वो मैयत में पहुंच गया है और वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा है, वो कुछ भी कह सकता है। सही, आ जाओ। हाँ डायरेक्टर कोई नहीं, बस सीन चल रहा है। बाईस पास थोड़ा माइक नीचे रखना, माइक लाओ। ये इनके वाले बात बाप हैं, आप बैठ जाएं, सीन चल रहा है और ये फिल्म का सीन है। सही है, रेडी। माहिन तुम खुद ही बोल देना एक्शन, उसके बाद आप स्टार्ट करोगे। रेडी गो। एक्शन स्टार्ट। पापा हम नहीं जा सकते, मुझे छोड़ के। कोई नहीं रोने का क्या? अरे मेरे पापा को क्या हो गया? क्या हो गया? क्या धुआं छोड़ के मरा है क्या? क्या धुआं छोड़ के मरा है क्या? ऐसा मुंह क्यों बना रही है? अरे ये मैयत है। अबे ये तो मुझे लग रहा है रक्षा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? अफसोस कर रहे हैं मेरे साथ के? अफसोस क्या करे, इधर दिखा तेरी खत बनवानी है, यहाँ से कलम बड़ी तेरी एक, यहाँ से भी बड़ा, ये छोटी हो गई। देखिए कितना नूरानी चेहरा मेरे पापा का। क्या हो गया, तुम क्यों रो रही हो? मेरे पापा देंगे। अरे मेरा खराब हो रहा है, तुम्हारा बेस खराब हो रहा है पूरा। क्या बेस खराब हो रहा है? जाओ सेट करके रहो। सही बाकी? हाँ जाओ सेट करके रहो। नहीं नहीं मेरे पापा। अरे तुम्हारे पापा है, तुम्हारे पापा थे। टाइम पापा आ जाओ। दो लड़के आपस में लड़ते हुए, वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तू अपनी शक्ल देख, वो तुझसे नफरत करती है, इसको दुल्हन मैं बनाऊंगा, तू उसकी शादी में वेटर बनेगा,
तमीज से बात कर, थोड़ी देर में लड़की आ जाएगी, तुम बताओ किससे प्यार करती हो, आखिर में लड़की फंस जाएगी, दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी है, तुम एंड में आओगी, एक्चुअल सिचुएशन तो लड़कों की आपस में एक दूसरे को बुरा भला बोल रहे हैं, कह रहे हैं वो मुझसे प्यार करती है, दोनों को कन्फर्म है तुम दोनों से प्यार करती है, वो एंड में आएगी बोले होगी, बल्कि वो तीसरे किसी के साथ आ रही होगी कि आप दोनों से शादी नहीं करनी, आए जल्दी से, चलो भाई एक मिनट है तुम लोगों के पास, माइक ऊपर रख के बात करना, माइक लाओ, चलो रेडी अब्दुल बासित, रेडी इमरान, हेलो, चलो आ रही आवाज आ रही है, माइक ऊपर रख के बात करना, आमने सामने से ये आ गए दोनों, रेडी गो। अबे वो सिर्फ मुझसे प्यार करती है, तू बिना वजह उसके चक्रों में पड़ा है, छोड़ दे। अबे निकल, मैं हीरो हूँ, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन नहीं, चप्पल जोड़ने वाली सुलोशन लग रहा मुझे। ऋतिक रोशन, वो मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं, चले यहाँ से। अबे निकल, मैं हीरो हूँ, वहीद मुराद। अबे यहाँ से वरीद मुराद और यहाँ से ना मुराद लग रहा है तू मुझे। अबे निकल, हो मिर्चो वाली केक रस। अबे ओ नाड़े बेचने वाले, इंसान का बच्चा बनना उसका पिया छोड़ दे, और तुझे मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन, अपनी हाइट देख, उसकी हाइट देख, चलते हो बाप बेटी लग रहे होगे, मेरे बिल्कुल। अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, प्याले में दूध पी लेता तू? हाँ पी लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, कुत्ता भी पी लेता है। इंसान का बच्चा बन, कहाँ है, नजर नहीं आ रही, कहाँ रह गई है, अभी तक क्यों नहीं आ रही, कहाँ रह गई, मुझसे प्यार करती है, तू क्यों वेट कर रहे? अबे मैं वेट कर रहा हूँ, मुझसे प्यार करती है वो, और तेरा कोई चक्कर ही नहीं उसके साथ, मुझसे ही प्यार करती है। मैं किसी से प्यार नहीं करती, क्यों मैं ना, क्या हो गया इसको देख के, डर क्यों गई, क्यों डर गई इसको देख के, ऐसी चीजें देख के अस्तगफार पढ़ा करो सर, तुम तू कौन है भाई, निकल, ये जंगी नहीं, ये बालों वाली कंगी लग रहा है तू, कहां से आ गया साथ में, खत्म हो गया भाई जान, कल खत्म हो गया था। अच्छा वो कवर करने के लिए बोला, आजकल कहां है, बारी है इंस्टाग्रामर्स की, देखते हैं इंस्टाग्रामर्स आज क्या करते हैं, लड़के को कुत्ते ने काटा है, इसके तकरीबन 50 इंजेक्शन लगेंगे, लड़के को इंजेक्शन लगवाने से बहुत डर लगता है, मैं डॉक्टर से इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि डॉक्टर का हाथ बहुत भारी होता है, मैं डॉक्टरनी के हाथ से इंजेक्शन लगवाऊंगा, वाले साहब बेटे को डॉक्टरनी के पास लेकर जा रहे हैं, सही है, वो कह रहे हैं मैं डॉक्टर से नहीं लगवाऊंगा, मुझे उनसे डर लगता है, मैं किसी फीमेल डॉक्टर जो होते हैं उनके पास जाऊंगा, लेडी डॉक्टर, और उनसे लगवाऊंगा, तो वाले साहब जो हैं वो लेके जाएंगे आपको लेडी डॉक्टर के पास, लेकिन अभी मसला ये हुआ हुआ है कि कुत्ते ने काटा है, तो पहले तो तुम बोलोगे मुझे इंजेक्शन लगवाना ही नहीं है, फिर वो कहेंगे नहीं बेटा बहुत अच्छा मेरा डॉक्टर है कोई, लेकिन तुम कहोगे डॉक्टर से नहीं लगवाना, आओ जल्दी से, आखिर में जाओगे तुम लेडी डॉक्टर के पास, आखिर में जाओगे, हाँ एंड में बस जाना है उसके पास, असल तुम लोगों की सिचुएशन है। चलो भाई बच्चा कौन है? बच्चा इमरान है। सही है, और अबू है, रेडी गो। अरे मेरा बच्चा, कुत्ते ने काटा है तुझे? कुछ नहीं होता अबू जान, आप अरे इसके इंजेक्शन लगते हैं, चलो चलो तुम्हें इंजेक्शन लगवाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा भाई, अबे कुत्ता बन जाएगा तू भी, चल। क्या हुआ, मैं आप ही तो गया हूं। अबे क्या बोल रहे, चल दे, पागल हो जाएगा तू, काटने लग जाएगा, भौंकने लग जाएगा। डॉक्टर का हाथ बहुत भारी है, चलो चलो। पहले वो वेल्डर था। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, ये मेरे बच्चे को कुत्ते ने काटा लगता है, अभी इंजेक्शन लगाते हैं। काटा लेकिन हरकतें तुम कर रहे हो पा, मैं नहीं जा रहा। अबे इंजेक्शन लाजमी है, इंजेक्शन लगवाना। हाँ लेडी डॉक्टर के पास लेके चलो मुझे। लेडी डॉक्टर क्यों, वो बैठी, इंजेक्शन लगवाना है तुझे, प्यार नहीं करवाना। इनकी फीस भी कम है, दे फीस छोड़। डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगवाएं, मैं पकड़ रहा हूं। मैं नहीं जा रहा। सीट पे मारना, सीट पे मारना। नहीं 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 नहीं, मैं निकट लाइक ले डॉक्टर के पास चल लो अब्बा जान, टाइम नहीं है यार, मेरे पास चल लो, मेरी जान चल। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम इसको एक इंजेक्शन तू लगा दे, आप पे लगेगा, आप पे, हाथ पे, टाइम अप। चलिए जी, इंस्टाग्रामर्स गौर से सुनना, तुम तो शादी से पहले बहुत वादे करते थे, रोजाना घूमने जाया करेंगे, 20 दिन बाहर खाना खाया करेंगे, शॉपिंग एक साथ किया करेंगे, अब तो आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, हर वक्त ऑफिस का काम, बेगम नाराज़ है, शौहर इसको मनाने में मसरूफ़ है, तुमने मनाना है इसको, बेगम नाराज़ है और जेन्युइन बातों पे नाराज़ है, क्योंकि जो वादे तुमने पहले किए थे उसमें तुम फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम ऑफिस जाते हो, तुम्हें टाइम नहीं मिलता। आओ जल्दी से आ जाओ,
बेगम कौन है? आ जाओ, हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। दुपट्टा? नहीं नहीं सही है, ऐसी सही है, ऐसी सही है, आ जाओ बस। चलो रेडी गो। यार इतना बिजी होता हूँ आजकल यार, एक टाइम नहीं मिलता, सांस लेने का टाइम नहीं। आपका इतनी दिनों देर से? मैं ऑफिस गया था मेरी जान। आप मुझे आप ये बताएं, आप टाइम मुझे कब देते हैं? शादी से पहले तो आप बड़े वादे करते थे। मैं वादे पूरे कर सकता हूँ अभी भी। ये ऐसे ही होते हैं आजकल के मर्द, अपना फायदा पूरा फिर छोड़ के चले गए। प्लीज मेरे लिए कप चाय बना दो। आप मेरे करीब नहीं है, मुझसे दूर होके बात करें। आप जरा इधर तो हैं, इधर तो हैं। मैं बता रही हूँ आप इधर आए, दूर होके बात करें। इधर आए भाई, कैमरा नहीं देख रहे। इधर मेरी जान एक कप चाय तो बना दे। मेरी जान आप मुझे अपने मुंह से नहीं बोले, मुझे आपके मुंह से मेरी जान बहुत बुरा लगा। आप मुझे प्यार नहीं करते। जहां तुम बोलोगी। आप यहां पे बैठे हैं। जी जी जी। आप मुझे एक बात बताएं। आप मुझे एक बात बताएं। आपने शादी से पहले मुझसे वादे किए कि मैं आपको ये करूंगा वो करूंगा, इतनी यहां घुमाऊंगा। बिल्कुल मेरी जान मुझे सब याद है। आपने मुझे क्यों नहीं घुमाया? मेरे घर वाले मुझे इतना प्यार बोझ के रखते थे। मैं तुम्हें लंदन ले जाऊंगा, तुम्हें घुमाऊंगा फिराऊंगा ऐश कराऊंगा, और क्या चाहिए तुम्हें? बस थोड़ा सा मैं बिजी हूँ फिलहाल। नेक्स्ट कौन है? इंस्टाग्रामर्स हैं। चलो भाई इंस्टाग्रामर्स गौर सुनना। बच्चा यूनिवर्सिटी में पेपर्स दे रहा है, क्लास में टीचर मौजूद है, इधर उधर मत देखिए अपना काम करें। मैडम आपके बाल बहुत खूबसूरत है। शट अप, आपके चेहरे पर कशिश है, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी। कुछ देर में लड़का टीचर को प्रपोज कर देगा, टीचर भी उसके प्यार में गिरफ्तार हो जाएंगी, दोनों की उम्र एक ही है। एक्चुअली जो टीचर है ना, ये वॉलंटियर होंगी, कोई टीचर नहीं है, तो कोई क्लास की किसी और क्लास की लड़की होगी, वो वॉलंटियर बनकर आई भी है पेपर्स देने के लिए। लेकिन जो लड़का बैठ के पेपर दे रहा है उसको लड़की पसंद आ गई है, तो वो बोल रहे हैं कि इधर उधर की बात मत देखें। पहले वो लड़की बोलेगी, मैडम आपके बाल बहुत खूबसूरत है। आप तारीफ़ें शुरू करोगे, वो शट अप कॉल देगी आपको, आपके चेहरे पर बहुत कशिश है, आप और भी तारीफ़ें कर सकते हो, मैं तुम्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगी, लड़की बोलेगी। कुछ देर में लड़का टीचर को प्रपोज कर देगा सबके सामने, और वो मान भी जाएगी। आओ जल्दी से, मत देखिए सिचुएशन। चलो भाई जल्दी से आ जाओ, चेयर ले आओ ना, पेपर हो रहे हैं तुम्हारे। चलो जल्दी से टीचर माहीन। चलो भाई एक मिनट पूरा तुम्हारे पास, बड़े इंपॉर्टेंट तीन पॉइंट्स, रेडी गो। अरे यार ये सवाल, अरे ये सवाल या निशान, देखो पेपर करो अपना, फिर फेल हो जाओगी तो फिर तुम्हें पेपर देना पड़ेगा। फिर आप आ गई, मैं सब कुछ भूल गया। फ्लर्ट मत करो मुझसे, पेपर दो अपना। अरे कितने प्यारे बाल हैं आपके, आप टीचर हो? जी। काश आप मेरी टीचर होती। अच्छा जस्ट शट अप, आप अपना काम करें। शट अप, तमीज से, क्या हो गया, क्लास में है। अच्छा शट अप जी। मैडम मैडम प्लीज एक आपका नंबर मिल सकता है, बहुत प्यारी हैं। ऐसे नहीं बोले लड़की, हंसी तो पसी। अच्छा अपना पेपर दे, छोड़ दो पेपर, दफा करो, मैं तो कामयाब हो गया। अरे चलिए ना मेरे साथ, चलिए ना मेरे साथ, कॉफी पी, क्या सोचेंगे हमारे। देखने दो, नहीं नहीं प्यार किया तो डरना क्या, फॉरन प्यार भी हो गया दो मिनट के अंदर। जी मुझे आपसे बचपन में प्यार था, मैंने आपको देखा था ख्वाब में, देखा था आप मेरे ख्वाब में आई थी। अच्छा जी जी, और कौन कौन आया था ख्वाब में सर, वो भी बताएं मुझे। सिर्फ आप आई थी। अच्छा चले ना मेरे साथ, चले चले कॉफी पीने। अच्छा, चलते। टाइम अप, प्रपोज कब करेगा? शादी के लिए पूछा कब तुमने? वापस आ जाओ, ख्वाब देख लिया, ख्वाब देख रहा है, प्रपोज नहीं कर रहा, ख्वाब देख रहा है ये आदमी। जाओ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।